सवर्णों को आरक्षण मिलने के बाद एक बार फिर जाट आरक्षण संघर्ष समिति जाटों को आरक्षण के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार कर रही है। अमरोहा में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बरेली और मुरादाबाद मंडल के जाट नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी सरकार एक महीने में जाटों को आरक्षण नहीं देती है तो वह आगामी लोकसभा चुनाव महागठबंधन का साथ देंगे और जाट अगर बीजेपी के साथ ना रहा तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्से में खाता भी नहीं खुलेगा। उनका कहना है कि आगामी 8 फरवरी से घर घर जाकर संदेश यात्रा निकालेंगे जिसमें जाटों को आरक्षण के लिए एकजुट होने के लिए जागरूक किया जाएगा। आज का कार्यक्रम मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल के पदाधिकारियों की मीटिंग है जिसमें जो पूरे प्रदेश में जो जाट संदेश के नाम से जाट संदेश यात्रा चलेगी उसकी तैयारियों के लिए आज बुलाए गए हैं और उनको ये बताया जा रहा है भाई क्या मुद्दा लेके, जिस तरह मोदी जी ने झूठ बोल के 4 साल हो गए हैं कि जाट को रिजर्वेशन देंगे और ओबीसी आयोग ही भंग कर रखा, पूरी ओबीसी जातियों के लिए प्रहार है ये कि इस देश में पिछले 4.5 साल से ओबीसी आयोग ही नहीं है और जिस तरह रात रात में अगड़ों के लिए बिल पारित कर दिया 2 रात में और पिछड़ा वर्ग आयोग ही नहीं बनाया, तो इस मुद्दे को गांव गांव घर घर लेके जाएंगे और जो जाट आरक्षण नहीं मिला उस पर भी ये बात तैयार की जा रही, क्योंकि अगर जाट वोट नहीं करता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 20 से 25 लोकसभा सीट पे तो भाजपा का खाता नहीं खुल सकता। आपको बता दें कि 2011 में जाटों ने जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में अमरोहा के काफुरपुर में दिल्ली लखनऊ रेल मार्ग बंद कर दिया था। के बाद केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जाटों को केंद्र में आरक्षण दे दिया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जाटों का आरक्षण रद्द कर दिया। 2014 में मोदी की सरकार आने के बाद जाटों को भरोसा दिलाया गया था कि उनका आरक्षण संबंधित बिल लोकसभा में पारित करके जाटों को दोबारा आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बाद अभी तक जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया है। इसी बीच अब स्वर्ण समाज को मोदी सरकार ने 10% आरक्षण का बिल पारित करके आरक्षण दे दिया है, जिसके बाद से जाट समाज में फिर से गुस्सा फैल गया है और अब एक बार फिर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष मलिक मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से नदीम अहमद की रिपोर्ट।